पहले क्वेश्चन का आंसर है बी जय माता दी, सेकंड का है सी जय माता दी, थर्ड का फिर से बी मार्क कर देता हूँ जय माता दी बचा लेना। ये आपको सीटी में नहीं करना है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर अगर आपने देखी है अच्छी बात है, इम्प्लीमेंट नहीं करना जो उसमें सीखा हुआ है, ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर में ठीक है। जय माता दी, ये जय माता दी भी। सो ऑल द सीटी एस्पिरेंट वेदर यू आर राइटिंग लॉ सीटी 3 इयर्स 5 इयर्स एमसीए सीटी एमबीए सीटी बीएड सीटी जो भी सीटी लिख रहे हो आप, तुक्का मटका नहीं मारना है। लॉस इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका होने वाला है, किसी और का नहीं होने वाला है। सो किसी और की बात सुन के मटका तुक्का मत मारो, जेन्युइन अटेम्प्ट पे जाओ, जितना आता है जितना प्रिपेयर किया है उसको मार्क करो, उतने क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो क्वेश्चन को लग रहा है कि स्मार्ट गेस से सॉल्व करना है दो ऑप्शन एलिमिनेट करके, सो वो सारे क्वेश्चन को आप ऑप्शन दो एलिमिनेट करके स्मार्ट गेस के हिसाब से सॉल्व करो ठीक है। इफ़ यू विल एलिमिनेट टू ऑप्शन और दो ऑप्शन अगर आपके पास बचा हुआ है तो 50% चांस है कि वो राइट होगा, बट अगर चारों ऑप्शन में से जय माता दी कर रहे हो सो 1/4 प्रोबेबिलिटी है, मतलब 25% विच इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग द मॉक टेस्ट एनालाइज योर मॉक कि जेन्युइन अटेम्प्ट मैंने कितने किए और उसमें से स्मार्ट अटेम्प्ट मैंने कितने किए थे। फॉर एग्जाम्पल 100 क्वेश्चन है तो 80 क्वेश्चन मेरे जेन्युइन अटेम्प्ट थे जिसको मैंने एक्चुअली मैं सॉल्व किया था, आई गॉट दी आंसर और उसके हिसाब से मैंने मार्क कर दिया। 20 क्वेश्चन मैंने स्मार्ट गेस से सॉल्व किया था दो ऑप्शन एलिमिनेट करके राइट। सो अगर आपके पास ये क्लैरिटी है, ये नंबर है 80 और 20 का, दिस इज व्हाट द रफ एग्जांपल आई एम गिविंग यू, 80 जेन्युइन 20% आपके स्मार्ट गेस वाले, तो आप जो बचे हुए 20% है उसको मैं जेन्युइन अटेम्प्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, ये आपको इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है ठीक है। सीटी में टाइम नहीं है, आई नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो ओके, उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी मार्क करके आ जाओगे, मतलब ए बी सी डी कुछ भी जय माता दी करोगे मार्क्स नहीं बनेगा। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रिक्स और जुआड आई कीप ऑन गिविंग इन माई लाइव क्लास क्लासरूम में भी कि भाई बी और सी के बीच में 60% आंसर होते हैं और ए और डी के बीच में 40% होते हैं। अब ये स्पेकुलेशन है, मतलब एनालिसिस करके अभी तक का जितना एक्सपीरियंस है, तो ऐसे टाइप के ट्रिक्स टेक्निक्स आई कीप ऑन गिविंग, बट उसको आपको वर्स्ट केस में यूज़ करना है ठीक है। ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स आई कीप ऑन डिस्कसिंग, सो सीटी हाइस वर्कशॉप में भी आई विल गिव यू सम ऑफ द एडवाइस सम ऑफ द ट्रिक्स कि आप एग्जाम में कैसे स्कोर कर सकते हो, कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। जितने भी आपकी प्रिपरेशन हुई है वो तो करना ही आपको, और थोड़ा सा जुआड़ क्या लगेगा अपना है ना, एग्ज़ाम निकालना है तो यार जुआड़ नाम की भी चीज़ है ना, शॉर्टकट्स भी है, ऑप्शन एलिमिनेशन है, ये सब आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा ठीक है। तो मैं ओवरव्यू जो मेरा स्ट्रैटेजी सेशन है इन दैट आई विल बी गाइडिंग यू दिस पार्ट कि भाई स्कोर बढ़ाओगे कैसे ठीक है। सो जितने लोगों ने अभी सी टी आई ज्वाइन नहीं किया है वर्कशॉप, काइंडली कॉन्टैक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर, जो भी सी टी आप लिखने वाले हो लॉ सी टी 3 इयर्स और 5 इयर्स एम बी ए एम सी और बी एड एग्जामिनेशन। हाँ बट तुक्का मटका पे बिल्कुल रिलाई नहीं करना है, उससे अपना स्कोर नहीं आएगा ट्रस्ट मी ठीक है। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर जेन्युइन अटेम्प्ट और आपके स्मार्ट अटेम्प्ट कितने आ रहे हैं और जेन्युइन अटेम्प्ट कितने आ रहे हैं ठीक है। और स्मार्ट अटेम्प्ट को वापस एनालिसिस करके देखो यार ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता था क्या, क्या रीज़न हुआ, क्या प्रॉब्लम आया, मतलब कि मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा था, अदरवाइज आई वॉज इन हरी, टाइम नहीं था मेरे पास इसलिए मैंने मार्क कर दिया। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो आपको एनालाइज करना पड़ेगा और इम्प्रोवाइज करनी पड़ेगी। सो टेल टू ऑल योर फ्रेंड, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो और जितने लोग सी डी का एग्जाम लिख रहे हो चाहे जो भी सी टी लिख रहे हो, उनको भी ये वीडियो शेयर कर दो कि मैनुअल एजुकेशन से देव सर ने बोला हुआ है कि भाई तुक्का मटका नहीं मारना है। क्या नहीं मारना है? तुक्का मटका नहीं मारना है, जेन्युइन अटेम्प्ट पे जाना है और स्मार्ट अटेम्प्ट पे जाना है। बाकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मॉक लिख रहे हो, आपका सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, फुल कोर्स प्रोग्राम और आपके प्रैक्टिस मटेरियल सारी चीज़ें हैं, आप कर ही रहे हो, तो उस पर रिलाई करो और अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहो, दैट्स ऑल। सो प्रिपरेशन वाइज योर मॉक टेस्ट, फुल कोर्स प्रोग्राम, सेक्शनल प्रोग्राम्स, ऑल द लिंक आई हैव मेंशन इन डिस्क्रिप्शन, अगर कुछ भी रह गया है तो कर डालो, थोड़े टाइम बचा हुआ है सीटी को लेके, लास्ट माइल प्रिपरेशन है, इसके बाद सीटी नेक्स्ट ईयर ही आने वाला है ओके। एंड डू टेक द एडवांटेज ऑफ द सीटी हाइस्ट वर्कशॉप, इसके अंदर काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं, एंड इन योर लेक्चर ऑल्सो मेनी थिंग्स विल बी लर्निंग, शॉर्टकट तरीका, स्मार्ट तरीका, ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑल दिस थिंग विल बी देयर ठीक है। सो दोज हु हैव नॉट येट ज्वाइन, यू कैन ज्वाइन दिस सी टी हाइस्ट वर्कशॉप विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 11th of July, 11 जुलाई से चालू हो रहा है। सो अभी तक सीट बुक नहीं की है फटाफट आपके सीट बुक कर लो, सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन, प्रिपेयर वेरी वेल, अगेन तुक्का मटका नहीं मारना है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।